फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme C63 Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन स्लो चार्ज होता है ना, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का फाइल का ऐप ओपन करना है, ठीक है। इस फाइल के ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड एप्स का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के समान डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है। देखिए एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप फोन को चार्ज करेंगे ना, तो आपको हमेशा अपने फोन के साथ वाला चार्जर आपको यूज करना है। कभी कभार ऐसा होता है ना, हम दूसरे फोन का चार्जर यूज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरे फोन के चार्जर से हमारा फोन चार्ज होता तो है, लेकिन स्लो चार्ज होता है, क्योंकि दूसरे फोन का चार्जर हमारे फोन को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जब भी आप फोन को चार्जिंग पर लगाएंगे, तो चार्जिंग पर लगा के अपने फोन को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। एक काम ये भी कर लेना है, आपके मोबाइल का नीचे साइड में चार्जिंग पोर्ट होता है, उसे आपको हल्का तो साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पे आप दोबारा टैप करेंगे ना, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए तरीके आप यूज करेंगे तो आपकी इससे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके ना मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपका मोबाइल फोन स्लो चार्ज हो रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए, ठीक है।